सब्सक्राइब कीजिए माइक्रोमैन चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यार दोस्तों कार को हम सारे लोग ड्राइव करते हैं, अब यार ऐसे में अगर बात निकल के आ जाए हमारी स्पीड की इंक्रीजमेंट की, तो यार उसके अंदर हमें वार्निंग सिग्नल देखने को मिलता है हमारे सिस्टम की तरफ से, जो भी होता है भाई आपकी गाड़ी की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, इसको धीरे कर लीजिए। तो यार आज आप वीडियो आखिर तक देखते रहिए, मैं आज आपसे बात करूंगा ISA बोले तो इंटेलिजेंट स्पीड एडेप्शन सिस्टम के बारे में, और दोस्तों जानेंगे कि आखिर ये चीज किस तरीके से काम करती है और कैसे लिमिट करने में स्पीड को हमारी कार की हमारी मदद कर देती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत और आप देख रहे हैं माइक्रो माइंड। चलिए शुरू करते हैं। यार दोस्तों मैं अगर आपसे बात करता हूं ना सबसे पहले स्पीड की, तो सबसे पहला सवाल तो हमारे पास ये निकल के आता है कि हम किन किन सिचुएशंस के ऊपर अपनी गाड़ी की स्पीड कितनी ज्यादा या फिर कितनी कम कर सकते हैं। अभी यार देखो सिंपल सी बात है, मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना ट्रैफिक की, तो ट्रैफिक के अंदर डेफिनेटली सारी जो गाड़ियां हैं वो अपनी स्पीड को लिमिट के अंदर बार बार ब्रेक के ऊपर अपना पांव जो है वो दबाती रहती है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूँ हाईवेज की या फिर कोई ऐसी जगह की जहां पर गाड़ियां काफी ज्यादा कम है और आपको काफी ज्यादा एक अच्छा सा रूट मिल चुका है, आप अपनी जो गाड़ी की स्पीड है उसको काफी ज्यादा बढ़ा लेंगे। अभी यार देखो ये तो बात हो गई हमारे पास स्पीड लिमिट की, लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूँ ऐसे नॉर्मल केसेस के अंदर कि आप ऐसी जगह पे ऐसे बेसिकली रोड पर हैं जहां पर आपकी जो आपके आसपास जो गाड़ियां हैं वो है बहुत सारी, अब ऐसे सिचुएशन के अंदर अगर आप अपनी स्पीड को करते हैं इंक्रीज, तो ये जो सिस्टम है ये आपको इजीली वार्न कर देगा कि आपकी जो गाड़ी की स्पीड है वो लिमिट से ज्यादा हो चुकी है। तो अब यार बात जरा करते हैं इसी ISA सिस्टम के बारे में, और दोस्तों जानते हैं कि आखिर ये ISA सिस्टम किस तरीके से काम करता है। अभी यार देखो ISA की फुल फॉर्म तो निकल के आ जाती है हमारे पास इंटेलिजेंट स्पीड एडेप्शन सिस्टम। अभी यार देखो ये जो सिस्टम है ये इंप्लीमेंट किया गया हमारे पास कार्स के अंदर ताकि कोई भी एक्सीडेंट या फिर कोई भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो उसके अंदर ये इजीली ड्राइवर को वार्न कर सके कि आपकी जो गाड़ी की स्पीड है वो इस वक्त कितनी ज्यादा है या फिर कितनी कम है अकॉर्डिंग टू लोकेशन। अब यार देखो ये इस तरीके से काम करता है कि ये सबसे पहला काम तो ये करता है कि ये आपकी पोजिशन को डिटेक्ट करने का काम करता है। जितनी ज्यादा आपकी पोजीशन दूर होगी तो ये डेफिनेटली समझ जाएगा कि ये जो रोड है ये काफी ज्यादा खाली है। अगर आपका पांव बार बार एक्सीलरेटर पे दब रहा है, बार बार आप उसको दबा रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि सिस्टम समझ जाएगा कि आपका जो आसपास का जो बेसिकली रोड है, आपका जो आसपास का एनवायरमेंट है वो काफी ज्यादा ट्रैफिक ही है और उसके पास में उसके आसपास काफी ज्यादा ट्रैफिक मौजूद है। अब यार देखो ये डिटेक्ट करता है आपकी गाड़ी को पोजीशन के थ्रू और लोकेशन के थ्रू। अब यार देखो पोजीशन मतलब ये कि आपकी गाड़ी किस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है या फिर आपकी डायरेक्शन, आपकी जो स्पीड है वो किस डायरेक्शन के अंदर कितनी ज्यादा है और किस डायरेक्शन के अंदर कितनी कम है, डिपेंडिंग कि आपकी जो गाड़ी की स्पीड है आपके अकॉर्डिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी ज्यादा तेज चला रहे हैं या कितनी ज्यादा हल्की चला रहे हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे पास इस सिस्टम की। अब जरा हम बात करते हैं इस सिस्टम के वर्किंग प्रिंसिपल की कि आखिर ये एग्जैक्टली वर्क करता है किस तरीके से। अब यार देखो ये जो काम करता है ये करता है हमारे पास GPS की मदद से, जो कि होता है हमारे पास एक कमाल का लोकेशन सर्विस, उसकी मदद से ये काम करता है और वही उसको सिग्नल देती है सिस्टम को। हमारे पास एक इनबिल्ट यूनिट लगा होता है हमारी कार के अंदर जो कि हमें ये इन्फॉर्म करता है कि आपकी गाड़ी की स्पीड कम कर लो, आपकी गाड़ी की स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है या फिर आपकी गाड़ी की स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम है, आप अपनी गाड़ी की स्पीड थोड़ी तेज कर लो। तो ये जो काम सारा होता है ये हैंडल्ड होता है हमारे इनबिल्ट सिस्टम के थ्रू और इसी की मदद से हम अपना जो काम है वो कंप्लीट कर लेते हैं और इसी की मदद से हम कोई भी ऐसी एक्सीडेंट की सिचुएशन या फिर कोई भी ऐसी इंसिडेंट से बच जाते हैं कि हमारे साथ जो कोई भी अगर इमरजेंसी सिचुएशन आती है, एक्सीडेंट वाली अगर कोई बात होती है तो आप उससे इजीली और एकदम सेफली बच जाते हैं। अभी यार देखो ये काम इस तरीके से करता है कि आपके आपके पास होता है एक GPS और आपके पास होता है एक पोजीशन लोकेटर, ये आपकी पोजीशन को डिटेक्ट करता है और अगर आप अपनी स्पीड को ज़्यादा इंक्रीज करते हैं या फिर ज़्यादा कम करते हैं तो आपके पास होता है एक OpenAI जो कि होता है एक नेटवर्क। अब यार उसके थ्रू आपके पास आता है एक सिग्नल आपके सिस्टम के पास में जो कि बताता है कि भाई आपकी स्पीड ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ है, आप इसको कम कर लीजिए। अब यार आपसे मैंने पहले भी बात की थी एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के बारे में, उससे मिलता जुलता सिस्टम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, तो इसी से कुछ मिलता जुलता हमारे पास सिस्टम है जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि स्पीड लिमिट किस तरीके से कार आगे जो आपका रडार सिस्टम है वो किस तरीके से आपके डिस्टेंसिंग को कवर करता है और फाइनली आपको प्रोवाइड कर देता है एकदम सेफ ड्राइविंग। तो इस तरीके से इसका भी कुछ फंडा हमारे पास निकल के आ जाता है और ये भी सेफली आपको अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देती है। और अगर आप इंक्रीज करते हैं हाईवेज के ऊपर अपनी स्पीड्स को या फिर आप अपनी लिमिट करते हैं ट्रैफिक की एरियाज के अंदर अपनी स्पीड को, तो ईजिली और इंस्टेंटली रिप्लाई सिस्टम आपको दे देता है कि आपकी स्पीड जरूरत से ज्यादा तेज या फिर जरूरत से ज्यादा कम है। तो यार यही थी सारी कंप्लीट कहानी इसी
ISA इंटेलिजेंट स्पीड एडेप्शन सिस्टम की। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।